राधा स्वामी सत्संग व्यास तेजली सेंटर में लोगों ने लगवाई कोरोना की दूसरी डोज। राधा स्वामी सत्संग व्यास तेजली सेंटर में कोरोना वायरस से बचाव हेतु कोरोना की दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने जो कोरोना की पहली डोज लगवा चुके हैं और जिनकी दूसरी डोज बाकी है, आज उन्होंने कोरोना की दूसरी डोज लगवाई। सत्संग घर में वैक्सीन लगवाने आए लोग सत्संग घर की साफ सफाई व वहाँ की सुविधाओं को देख कर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि जैसे ही सेंटर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उनका तापमान चेक कर उनको सैनिटाइज किया जाता है और आगे जाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर वहाँ के सेवादारों द्वारा उन्हें पंडाल में लगी कुर्सियों पर बैठाया जाता है और सेवादार द्वारा उन्हें चाय नाश्ता भी दिया जाता है। वहीं एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि वह चलने में असमर्थ थी, तो वहाँ के सेवादारों ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर सबसे पहले उनको टीका लगवाया। वहाँ पर आए लोगों से पता चला कि जब भी कोई बुजुर्ग व विकलांग टीका लगवाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और उनके लिए यहाँ पर व्हीलचेयर व और भी अन्य सुविधाओं का पूरा प्रबंध है। सत्संग घर में सेवादारों की सेवा को देखकर वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने उनकी काफी सराहना भी की। यहाँ पे सबसे पहले तो एंट्री पे सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। एंट्री पे ही हमारे हाथ सैनिटाइज किए गए हैं, सबने मास्क डाला हुआ है। उसके बाद हमें वेटिंग एरिया में बिठाया गया है और जब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं तो हमें रिफ्रेशमेंट्स दी गई है। कोई ऐसा हॉचपॉच नहीं किया गया, बल्कि आज मौसम भी जैसे बारिश वाला है तो कोई हमें परेशानी भी नहीं आई है। उसके बाद जब हम एंटर हुए हैं तो 4 या 5 टेबल्स लगा रखे हैं, जिसके वजह से जब हमारा जो फॉर्म्स है वो भरा गया है और उसके बाद हमें वैक्सीन के लिए भेजा गया, तो ऐसा कोई हमें डिसकम्फर्ट नहीं हुआ बेसिकली। तो बहुत ही बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया यहाँ पर। कहने का मतलब है कि बस आपको यहाँ पर आना है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेवादार हैं वह अपने आप ही। हाँ जी बिल्कुल, वो सब कुछ हमें मैनेज करा रहे हैं, लाइंस में लगा के अंदर भेज रहे हैं, कोई हमें दिक्कत कोई इशू नहीं आ रहा है यहाँ पे। बेटे बहुत अच्छी लगी, सबसे पहले मेरे व्हील चेयर में बैठाया, ये मेरा टिक्का लगवाया, टिक्का लगवाने के बाद मेरे को रेस्ट करवाया, फिर उन्हें खाना दिया, मतलब चाय वगैरह मट्ठी वगैरह सब कुछ दी। बहुत सुविधा यहाँ तो सब तो बाहर तो इतना अच्छी सुविधा है, यहाँ के सेवादार भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार थे, प्रेम ते बोला, प्रेम प्यार ते बीबियां बोला, प्रेम प्यार ते भाई बोला, और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ टीका लगा, बहुत सुविधा यहाँ मिली।